हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी आप देख रहे हैं ऑल न्यू टाटा कर्व, जो कि एक कंसेप्ट मॉडल यहाँ पर ऑटो एक्सपो के अंदर शोकेस किया गया है। और यहाँ पर आप इसका जो लुक है ना, वो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। सो टाटा जो है ना, वो सेम अब कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है कि जो फ्रंट के अंदर ना जो पूरा DRL वाला लुक है, वो हमें आगे इनकी फ्यूचर कार्स के अंदर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो इसीलिए हमने ये सेम चीज़ टाटा हैरियर EV के अंदर भी देखी थी कि फ्रंट के अंदर जो कनेक्टिंग जो DRLs है वो पूरा कनेक्ट है, और सेम जो सेटअप है वो हमें रियर में टेल लैम्प्स के पास भी देखने के लिए मिलता है। सो अब टाटा इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही जो स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर की साइड में DRL, एंड यहाँ पर आपको जो पूरा हेडलैम्प सेटअप है वो मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो एयर डैम है वो आप देख सकते हैं, एंड इस साइड में जो क्लोज्ड ग्रिल है वो यहाँ पर शोकेस की गई है। हालाँकि इसके ऊपर जो बॉडी कलर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, और जब इसको लॉन्च किया जाएगा, अभी ये कंसेप्ट मॉडल है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डायमंड पैटर्न या कुछ और जो पैटर्न्स है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे ही है इसके लुक टाटा कर्व की। और अब चलते हैं इसके साइड पार्ट की तरफ। साइड लुक अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इसके DRLs के अंदर एक जो एडिशनल पार्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो ये हो सकता है कि ये सेम जो DRL है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है। तो अगर ये इसके बोनट तक कंटिन्यू होगी तो एक यूनिक पार्ट जो है और एक यूनिक एलिमेंट ऐड हो जाएगा ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। साइड में अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े टायर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, डिस्क काफ़ी बढ़िया, कैलिपर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और इसके व्हील आर्चेस के ऊपर जो क्लैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है और ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पर शोकेस की गई है। साथ ही अगर आप इसके मिरर्स देखते हैं ORVM, तो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिकली जो डिज़ाइन किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये डोर्स के ऊपर ही जो प्लेस किए गए हैं, साथ ही जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश टाइप यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम लाइक XUV700W। सो इनके जितने भी EVs हैं सबके अंदर इसी टाइप के जो डोर हैंडल्स हैं वो अभी तक हमने देखे हैं। अभी आप कार को थोड़ा सा दूर से देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। साथ ही जो थिक क्लैडिंग्स हैं वो नीचे डोर्स के नीचे भी कॉन्टिन्यू हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो स्टांस है वो मिल जाता है। और कार आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्रॉसओवरिश लग रही है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। सो जो रोड स्टांस है वो इसको ज़रूर मिल जाएगा, रोड प्रेजेंस मिल जाएगी। रियर अगर व्हील्स की बात करोगे तो यहाँ पर बड़े बड़े डिस्क दिए गए हैं, कैलिपर्स बड़े बड़े दिए गए हैं, पिरेली के टायर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात आती है इसके रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर अगर आप इसके रियर प्रोफाइल देखेंगे तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका ये वाला पार्ट। अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लोपी है, और ऐसा लग रहा है कि इसी के अंदर यहाँ पर ही इंजन रखा गया है, इतना बड़ा ये पूरा पार्ट है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड जो क्रीजेज़ है वो यहाँ पर दिए गए हैं, एंड ऊपर की साइड में कुछ स्पॉइलर जैसा जो लुक है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके अंदर कट्स यहाँ पर भी दे दिए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक्ड आउट एलिमेंट के साथ ही अमेजिंग लग रहा है। अब इसके रियर प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। इसके टेल लैम्प्स को आपस में कनेक्ट किया गया है विद दी कनेक्टिंग बार, और ये पूरा ग्लो होकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टाटा का लोगो यहाँ पर दिया गया, कर्व की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही अंडरनीथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो एयर डैम्स हैं वो इस साइड में आपको मिल जाएंगे, और एक इस साइड में दिए गए हैं। जो इसकी रियर प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है, आपको इसकी रियर प्रोफाइल कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि कैसा इसका इंटीरियर होने वाला है, जो कि कंसेप्ट मॉडल के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो क्लस्टर मीटर है वो भी पूरी तरीके से TFT में यहाँ पर दिया गया है, और एक और आपको जो टच स्क्रीन है वो वहाँ पर मिल जाता है। D-cut स्टाइल के अंदर स्टेयरिंग व्हील है, और इसके अंदर जो है रेड हाइलाइट्स आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे सीट्स के ऊपर, डोर पैनल्स के ऊपर, डोर पैडिंग के ऊपर, एंड इवन स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको मिल जाती हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ पर दिया गया है, रोटरी नॉब्स दिए गए हैं इसके मोड्स के लिए, जिसके अंदर इको, स्पोर्ट एंड जो नॉर्मल मोड है सिटी मोड वो यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सब इसके अंदर यहाँ पर अभी हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छा जो लुक है वो टाटा कर्व का यहाँ पर दिया गया है। आपको टाटा कर्व भी कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।